Welcome to Manor Education. Welcome to this video. In this video, we will discuss about CMAT previous year compilation, previous year papers compilation from the 2019 to 2023. In this compilation, we will discuss sentence improvement part. So, जितने भी sentence improvement के 5 years के 2019 से लेके 2023 तक जितने भी compile questions हैं, वो सारे एक compilation में हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं. Now, first question. राधा इज एज क्लेवरर एज सुधा. नाउ यहां पर अगर देखोगे तो कंपैरिजन है, सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया है. नाउ योर आंसर शुड बी व्हाट? राइट आंसर शुड बी इट इज नॉट क्लेवरर. क्लेवरर कभी भी यूज नहीं होता. एज एंड एज के बीच में कभी यूज होगा? क्या यूज होगा? क्लेवर यूज होगा. दिस इज रॉन्ग फॉर्म. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज अ राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, पिक द करेक्ट सेंटेंस. अभी आपको यहीं से करेक्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन में से, इन चार ऑप्शंस में से आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है. व्हाट यू विल डू? यू विल जस्ट रीड द सेंटेंस. देखो, एक बार रीडिंग करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने शुरू हो जाएगी कि क्या आंसर होना चाहिए. यहाँ पे देखो, आई हैव लिखा हुआ है एंड साथ में लास्ट ईयर लिखा हुआ है, तो दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते. दैट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज परफेक्ट ना, एंड परफेक्ट तो हमें पहले ही पता है कि लास्ट ईयर है. देन पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर है, लेकिन पास लिखा हुआ यहाँ पे तो ईडी फॉर्म होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. देन तो ये भी एलिमिनेट करो, ये भी एलिमिनेट करो. आई एम पासिंग द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर लिखा है, लेकिन अगेन यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म. दिस इज रॉन्ग. आंसर शुड बी डी. नेक्स्ट, आई डोंट थिंक यू नीड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. योर कंडक्ट इज स्पीकिंग इटसेल्फ. अब यहाँ पे बोला है योर कंडक्ट इज स्पीकिंग इटसेल्फ. अब देखो, आई डोंट थिंक, ये जो सेंटेंस है, ये पहले तो सेंटेंस तो है प्रेजेंट टेंस में, तो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. दैट इज ओके. बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होगा? देखो, यहाँ पे ऑप्शंस दिखा हुआ है. अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या लिखा है? विल स्पीक टू इटसेल्फ, स्पीक फॉर इटसेल्फ. मतलब हमें यहाँ पे देखना है, हैज बीन स्पीकिंग, स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ. अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे हैज बीन स्पीकिंग तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला गया. स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये भी रॉन्ग है. विल स्पीक टू इटसेल्फ, अब विल स्पीक टू इटसेल्फ मतलब ये खुद से ही बात करेगा. मतलब आपका जो कंडक्ट है वो खुद से बात करेगा. ये तो गलत हो गया ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी. नेक्स्ट, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. फर्स्ट, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट. पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट. नाउ नेक्स्ट, आई डू नॉट नो दैट ही विल कम और नॉट. यहां पे लिखा हुआ है आई डू नॉट नो दैट ही विल कम और नॉट. अब यहां पे देखो, ये जो वेदर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल होता है. मतलब दो ऑप्शंस जब हो, दो सिचुएशंस जो हो, जो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आएंगे, उन रिजल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं? वेदर एंड और यूज करते हैं. ये राइट कंजंक्शन है. बट यहाँ पे दैट और यूज किया है, तो ये तो रॉन्ग कंजंक्शन हो गया ना, रॉन्ग पेयर ऑफ कंजंक्शन. तो दिस इज करेक्ट. सो क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. तो आंसर शुड बी ए. देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच सेंटेंस आर करेक्ट. अब देखो, शी वॉज पोरिंग वॉटर इन द जग. देन माई फादर वॉज एंग्री विथ माई ब्रदर. देन रामा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1975. अब यहां पर देखो, फॉर यूज किया है और हैज बीन लिविंग यूज किया है. हैज बीन है तो फॉर नहीं होना चाहिए, सिंस होना चाहिए. सो ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट हो गया. द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द बेगर. द पेशेंट वॉज क्राइंग ऑन पेन. ये गलत है. नाउ यहाँ पे ऑप्शन डी भी राइट है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है. देन माई फादर सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. एंग्री विथ माई ब्रदर, दैट इज ऑल्सो, कंजंक्शन इज ऑल्सो राइट, प्रिपोजिशन इज ऑल्सो राइट. शी वॉज पोरिंग वाटर. पोरिंग वाटर मतलब वाटर जो है वो जग के अंदर डालना. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो ए बी डी इज योर आंसर. सो दैट इज बी. नेक्स्ट, पिक द करेक्ट ऑप्शन. इट इज नथिंग एल्स दैन प्राइड. इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड. यहाँ पे दैन जो है वो एल्स के साथ यूज नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन, सो दिस इज रॉन्ग. सो नाउ व्हाट? बी शुड बी योर आंसर. देन पिक द करेक्ट सेंटेंस. ही मेड अ फुल ऑफ सर्टनली हिमसेल्फ. सर्टनली ही मेड अ फुल ऑफ हिमसेल्फ. सर्टनली अ फुल ही मेड ऑफ हिमसेल्फ. ये तो इलॉजिकल आंसर है. ही मेड अ सर्टनली फुल ऑफ हिमसेल्फ. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ यहाँ पे इन दोनों में राइट क्या होगा? फुल ऑफ सर्टनली. सर्टनली ये तो गलत होगा, ऐसे नहीं होता है. तो बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर. जेसिका मेटफोर्ड रोट द अमेरिकन वे ऑफ डेथ, अ बेस्ट सेलिंग बुक दैट लेड इवेंचुअली टू एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फ्यूनरल इंडस्ट्री. यहां पर दैट लेड इवेंचुअली जो लिखा हुआ है उसे हमें इंप्रूव करना है. नाउ अब देखो, यहां पे हमें आंसर कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी यहां पे ऑप्शन में क्या लिखा है, दैट लेड इवेंचुअली. अब ऑप्शन देखो, दैट लेड इवेंचुअली, दिस इज अ सिमिलर टू द
अंडरलाइन पार्ट. देन नेक्स्ट देखो, दैट हैड अ लेड इवेंचुअली, ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है. अब हैड हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज परफेक्ट टेंस है, वो हमें पता नहीं परफेक्ट टेंस है कि नहीं, ये हमें पता नहीं. फिलहाल तो सेंटेंस ये नहीं बता रहा है कि परफेक्ट टेंस है, तो ये नहीं होगा. नाउ दैट इवेंचुअली लेड, अब देखो यहां पे लेड इवेंचुअली और इवेंचुअली लेड जो है, इनकी प्लेसमेंट गलत है. ये किस तरीके से लिखा होना चाहिए था, इवेंचुअली लेड ये होना चाहिए था, राइट? सो दिस शुड बी योर आंसर. सी, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है, विच नहीं आएगा बिकॉज इवेंट की बात कर रहे हैं. इन द लाइट ऑफ अर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव बजटिंग प्रपोजल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव बजटिंग प्रपोजल, अ रिसेंट पोल पुट अ सुजैन अहेड ऑफ अ जॉर्ज इन दिस रेस ऑफ गवर्नर, रेस फॉर अ गवर्नर, एंड फाउंड हर टू बी द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ द टू. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए, हमें क्या करना है, राइट वन चॉइस करना है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, यहाँ पे सुजैन का यहाँ पे तो यूज ही नहीं किया है, देन यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली यूज किया है, एंड यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज किया है. नाउ इन दैट सेंस ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा है वो रॉन्ग है बेसिकली. तो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज ही नहीं किया और ये फॉर्म ऑफ द सेंटेंस है, वहीं रॉन्ग है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी होगा. ऑप्शन ए में प्रॉब्लम है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो लिखा तो है बट द सिमिलर सेंटेंस इज देयर. अगर आप यहाँ पे ध्यान से रीड करोगे तो पता चलेगा, अ रिसेंट पोल पुट अ सुजैन अहेड ऑफ अ जॉर्ज इन द रेस फॉर अ गवर्नर एंड फाउंड हर टू बी द बेटर कैंडिडेट ऑफ द टू. देखो यहाँ पर बेस्ट कैंडिडेट लिखा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे है कंपेरेटिव डिग्री, और दो जनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आंसर शुड बी सी नॉट ए. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, तो इसे हमें इंप्रूव करना है. एक्सपेक्टेड टू अराइव बिटवीन 11 PM to 12 PM. बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ होंगी, तो यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है, 11 PM to 12 PM लिखा हुआ है. नाउ इन दैट पार्ट, इन दिस पार्ट वी हैव टू चेक कि क्या राइट होगा, राइट? तो अभी देखो, अभी हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे. सी, यहाँ पे 11 PM to 12 PM ये टू हम लोग यूज नहीं करते, दिस इज रॉन्ग, टू नहीं यूज किया जाता. एंड एन और कब होगा, जब ऑप्शंस बताने हो, तो ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द अंडरलाइन पार्ट, विच मीन्स लिखा हुआ है, अब इसको करेक्ट करना है. तो अब हम इसमें आंसर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में देखो विच मीन्स, यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा नहीं है, बट यहाँ पे दैट है, तो ये दैट के ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट यू विल नॉट यूज. सिंपली ऑप्शन ए एंड बी में यहाँ पर कॉमा नहीं है, तो आंसर विल बी दिस, सिंपल, ये आंसर नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही है, तो ऑप्शन बी विल नॉट बी योर आंसर. नाउ पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज़ अ ट्रू ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉज एंड ब्रदर्स इन लॉ. अब यहाँ पे आंसर कैसे होगा, आप पहले ऑप्शन को देखोगे, ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, बट ब्रदर इन लॉ दोनों भी सिंगुलर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ब्रदर इन लॉज नहीं, ये ब्रदर्स होने चाहिए यहाँ पर, ये रॉन्ग है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रदर्स है, यहाँ पे लॉज है, ये तो गलत ही है, क्योंकि एक सिर्फ ब्रदर्स ही होना चाहिए, लॉ तो सिंगल लॉ होगा. ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे लॉ है, यहाँ पे ब्रदर्स है, सिंपल. इन दिस सेक्शन, अभी इस क्वेश्चन में देखो, इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है. वी वॉन्ट टीचर टू बी हिम, ये सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग है, टू बी हिम नहीं होगा. सिंपली आंसर शुड बी वॉट, देखो यहाँ पे वी वॉन्ट हिम टू बी टीचर साउंड्स करेक्ट, साउंड्स नॉट करेक्ट, इट इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट. नाउ सी, वी वॉन्ट द टीचर टू बी ही, ये रॉन्ग है, ये फॉर्मेशन रॉन्ग होगा. वी एंटिसिपेट द टीचर टू बी हिम, एंटिसिपेट दिस इज रॉन्ग, नेगेटिव सेंस है. वी डिजायर द टीचर टू बी हिम, ये रॉन्ग है, दिस इज करेक्ट ए. वी वॉन्ट हिम टू बी द टीचर, दिस इज ग्रामेटिकली साउंड्स करेक्ट.